हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखकर आइए, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कैटफिशर जिसने करीब 3000 से भी ज्यादा बच्चों को अब्यूज किया, और वो भी ऑनलाइन। तो ये केस है एलेक्स का, जो अपने आप में हम कह सकते हैं कि वर्स्ट अब्यूजर था, जिसने पता नहीं कितने सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। तो हम केस में वहां तक पहुंचे थे जब तक एलेक्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके घर से करीब 3490 बहुत ही ज्यादा इनडिसेंट इमेजेस मिलती है, और वो भी बच्चों की। लेकिन शायद ये पुलिस के लिए बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं थे, कोर्ट ने इसको सीरियसली नहीं लिया, हम यही कह सकते हैं, और इन्होंने एलेक्स को बेल दे दी। लेकिन इस बेल की कुछ कंडीशंस थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि अब एलेक्स को इस पॉइंट से इंटरनेट यूज नहीं करना था। इसके अलावा जितनी भी एलेक्स की डिवाइसेस पुलिस ने उसके घर से जब्त की थी वो पुलिस के पास ही रहने वाली थी, तो अब वो डिवाइसेस इसको वापस नहीं मिलने वाली थी। और साथ ही एक कंडीशन थी कि एलेक्स को अब यहां से फोन और लैपटॉप या कोई भी टैबलेट यूज नहीं करना था, जिससे वो फर्दर किसी भी बच्चे से कॉन्टेक्ट ना कर पाए। तो अब पता नहीं क्यों, लेकिन कोर्ट ने एलेक्स को बेल पर रिलीज कर दिया। और बेल पर बाहर आते ही जो पहला काम एलेक्स ने किया वो ये था कि बाहर निकलते ही उसने इस तरह की और बहुत सारी डिवाइसेस खरीदना शुरू कर दिया। उसने फोन्स खरीदे, टैबलेट्स खरीदे, लैपटॉप्स खरीदे, और ये सब कुछ वो आराम से खरीद रहा था। पुलिस वालों की उस पर कोई भी नजर नहीं थी, उन्होंने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था। वो आराम से बाहर जाकर मार्केट जाके डिवाइसेस खरीद रहा था, और पुलिस को इसका कोई भी आइडिया नहीं था। अगर उस पर ये कंडीशन रखी गई थी कि वो डिवाइसेस नहीं खरीदेगा, तो ये चीज आपको श्योर करनी चाहिए थी कि वो ऐसा ना कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने डिवाइसेस भी खरीदी और उसने इंटरनेट यूज करना एक बार फिर से शुरू कर दिया। अब एक बार एलेक्स फिर से अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ा। हालांकि इसी केस में इसने पहले शो किया था कि वो अपनी जान लेने वाला था, उसको बहुत ज्यादा गिल्ट था, लेकिन क्योंकि जेल से बाहर आकर इसने एक बार फिर से वही काम किया है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि इसको कोई भी गिल्ट नहीं था। अब पुलिस वाले इसके बाद भी इसके घर 3 बार और पहुंचे, लेकिन इनको वहां से कोई भी डिवाइसेस नहीं मिली। ये शायद पुलिस वालों के आने पर उन डिवाइसेस को छुपा देता होगा, या पता नहीं पुलिस वाले इसको इग्नोर कर रहे थे, कुछ भी नहीं पता। लेकिन एलेक्स आराम से अपना काम कर रहा था। और इसी तरीके से 2 और साल बीत गए। इन 2 सालों में एक बार फिर से एलेक्स को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उस बार भी कुछ नहीं हुआ और आराम से उसको इस बार भी बेल आउट कर दिया गया। अब बाहर आने के बाद एलेक्स और नई नई लड़कियों से संपर्क कर रहा था, हम कह सकते हैं बच्चों से संपर्क कर रहा था, और उसकी अब जो डिमांड्स थी वो और ज्यादा खराब और ज्यादा घटिया होती जा रही थी। शायद एलेक्स अपना फ्रस्ट्रेशन इन बच्चों पर निकाल रहा था, और वो शायद ये देखना चाहता था कि इन बच्चों को वो कितना पुश कर सकता है। अब हम सीधा 2018 की तरफ चलते हैं। इस समय अब एलेक्स की जिंदगी में एक लड़की आती है, एक बच्ची आती है, जिसका नाम था सिमरन थॉमस। वो केवल 12 ईयर्स ओल्ड थी। वो यूएसए के वेस्ट वर्जीनिया में रहा करती थी अपने माता पिता के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ। वो एक बहुत ही चीयरफुल बच्ची थी। उसको वायलिन बजाना पसंद था, उसको एलिफेंट से बहुत ज्यादा प्यार था, और साथ ही अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ समय बिताना उसको काफी अच्छा लगता था। उसकी फैमिली के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी फैमिली एक ऑर्डिनरी अमेरिकन फैमिली थी, और ये लोग एक बहुत ही रिमोट फार्म हाउस में रहा करते थे जो कि ब्रूस के हैमलेट में था। ये एक इतना छोटा सा गांव था जिसकी पॉपुलेशन 80 लोगों से भी कम की थी। सिमरन की एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी जिसका नाम था एश्टन। वो उसके घर से बस एक ब्लॉक दूर रहा करती थी। ये हमेशा अपने स्कूल में मिला करते थे, बहुत सारा समय साथ में बिताते थे, और साथ ही स्कूल बस में बैठकर अपने घर वापस साथ साथ लौटते थे। हमेशा ये दोनों एक दूसरे के घर में विजिट करते रहते थे। हम कह सकते हैं कि इनका ज्यादातर समय एक साथ बीतता था। इनका एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता था। हम कह सकते हैं काफी छोटी उम्र से, यानी कि बिल्कुल बचपन से, ये दोनों दोस्त थे। और एक बात और थी सिमरन के बारे में कि उसको स्नैपचैट पर समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद था। वो हमेशा स्नैपचैट को यूज करती थी अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, उनसे टच में रहने के लिए, उनसे कुछ भी शेयर करने के लिए। लेकिन 6 मई 2018 के दिन सिमरन का कांटेक्ट हुआ एलेक्स से पहली बार, और इस पॉइंट से अब सिमरन की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी।
एलेक्स ने सिमरन से कांटेक्ट किया अपनी उसी पुरानी आईडी से जिसका यूजर नेम था सारा131x। उसने सिमरन को बताया कि वो भी एक यंग लड़की है, उसी की एज की है और उसकी भी हॉबीज कहीं ना कहीं सिमरन की हॉबीज जैसी हैं। अब इन लोगों ने चैट करना शुरू कर दिया और इसके साथ भी एलेक्स वही पुरानी टैक्टिक्स अपना रहा था। उसने बहुत जल्दी इससे बहुत अच्छी दोस्ती कर ली, लेकिन साथ ही अब वो सिमरन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देने लगा उसके अपियरेंस के लिए, अपने बहुत ही फ्लैटरिंग कमेंट्स से उसको बहुत ज्यादा खुश रखने लगा, उसकी बॉडी के बारे में कमेंट्स देने लगा। और केवल 15 मिनट्स के कन्वर्सेशन के बाद अब एलेक्स ने इस बिचारी सिमरन को अपने झांसे में फंसा लिया और इससे कहा कि तुम मुझे अपनी एक टॉपलेस फोटो भेजो और साथ ही अपना एक वीडियो भी भेजो। ये जो वीडियो था इसमें सिमरन को अपने आप को पेनिट्रेट करते हुए दिखाना था। पता नहीं कैसे लेकिन सिमरन उसके झांसे में आ गई। उसने अपनी ये पिक्चर्स, अपनी वीडियोस, सब कुछ सेरा नाम की इस लड़की को भेज दी जो कि वैसे एलेक्स था। जैसे ही ये पिक्चर्स ये वीडियोस इसके पास आई, एलेक्स ने तुरंत ही अपनी असली आइडेंटिटी इसके सामने शो कर दी। उसने बताया कि वो एक प्रीडेटर है और वो बस ये सब कुछ नाटक कर रहा था उसको अपने झांसे में लेने के लिए। इसके बाद इसने तुरंत ही अब सिमरन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये सारा का सारा मटेरियल पब्लिश कर दूंगा, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं इन सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। इनकी ये जो बातचीत थी ये अगले 1 आवर 45 मिनट्स तक चलती रही। इस दौरान आप समझ ही सकते हैं कि ये जो सिमरन नाम की बच्ची थी वो किस तरह के इमोशन से गुजर रही होगी, इसको कितना ज्यादा स्ट्रेस, कितनी ज्यादा एंजाइटी हो रही होगी और साथ ही वो बहुत ज्यादा पैनिक भी कर रही थी। लेकिन इनका ये कन्वर्सेशन चलता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान सिमरन ने उसे कहा होगा कि ये सारी पिक्चर डिलीट कर दो, तुम मुझे ब्लैकमेल मत करो। लेकिन एलेक्स नहीं माना, उसने इससे और भी एक्सप्लिसिट इमेजेस मंगवाई और उसको पोजीशंस बताई कि किस किस पोजीशंस में तुम्हें मुझे पिक्चर्स भेजनी है। साथ ही एलेक्स ने सिमरन से बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग और बहुत ही डिग्रेडिंग पिक्चर्स को डिमांड किया। साथ ही अब एलेक्स ने सिमरन से कहा कि तुम्हें फर्श पर यूरिनेट करना है और डेफिकेट करना है। ये सब कुछ सिमरन ने किया। ये सब कुछ 2 घंटों तक चलता रहा और 2 घंटों के बाद एलेक्स ने फाइनली सिमरन से कहा कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छे से किया, जो मैंने तुमसे कहा मेरी बात तुमने मानी, अब मैं तुम्हारी प्रोफाइल को ब्लॉक कर दूंगा और जितना भी मटेरियल तुमने मुझे भेजा है वो सब कुछ मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन अब आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि ऐसा कुछ भी एलेक्स करने वाला नहीं था। जब ये कन्वर्सेशन खत्म हुआ तब सिमरन ने कभी भी किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वो अपने पुराने रूटीन में धीरे धीरे लौटने लगी। हालांकि मेंटली वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड थी, लेकिन उसके बाद भी उसको अपनी जिंदगी जीनी थी। लेकिन उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर 2 दिन बीत चुके थे और 2 दिनों के बाद एक बार फिर से एलेक्स सिमरन की जिंदगी में वापस आने वाला था। एलेक्स को पता था कि मेरे जो विक्टिम्स हैं वो उससे बहुत ज्यादा डरते हैं और मैं उनको कभी भी ब्लैकमेल कर सकता हूँ, और इसके लिए वो बार बार अपने विक्टिम्स के पास वापस लौटता था। अब इसके विक्टिम्स को तो ये लगता था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब वापस एलेक्स आता था तो वो और ज्यादा पैनिक करने लगते थे और ज्यादा एंजाइटी में चले जाते थे। अब एलेक्स की प्रोफाइल तो ऑब्वियसली सिमरन ने डिलीट कर दी थी, उसको ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब किसी दूसरी आईडी से एलेक्स ने सिमरन से एक बार फिर से कॉन्टेक्ट किया। जिस समय एलेक्स ने सिमरन से कॉन्टेक्ट किया उस समय शाम हो रही थी और सिमरन के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, तो उस समय घर पर केवल सिमरन और उसकी छोटी बहन ही थी। उसकी जो छोटी बहन थी वो केवल 9 ईयर्स ओल्ड थी। अब एलेक्स ने कुछ मैसेजेस सिमरन को करने शुरू कर दिए। सिमरन ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लेकिन एलेक्स ने रिस्पॉन्ड किया कि तुमने पिछली बार बहुत ज्यादा जल्दीबाजी की थी और उससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं और सारा का सारा मटेरियल डिलीट कर दूं तो एक बार फिर से तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा। इसको वो वही नाम देता था कि मैं इनके साथ खेलता हूं, ये मेरे टॉयज हैं। लेकिन सिमरन ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं करना चाहती। एलेक्स ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक बार फिर से खेलना पड़ेगा। इसके बाद इसने इसको ये भी धमकी दी कि मैं तुम्हारे सारे के सारे मैसेजेस, सारी सारी इमेजेस तुम्हारे पिता को भेज दूंगा। और ये सुनकर सिमरन बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो गई, बहुत ज्यादा अपसेट हो गई और उसने बहुत ज्यादा भीख मांगी एलेक्स से कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा कुछ मत करना, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया, अभी स्टॉप कर दो। लेकिन एलेक्स ने रिप्लाई किया कि अपनी आंखें पोछो, मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वापस मेरे साथ खेलने के लिए आओ।
वो कभी भी अपने विक्टिम्स के साथ कोई भी मर्सी शो करता ही नहीं था। अब एक बार फिर से इसने सिमरन को ब्लैकमेल करना शुरू किया, इसने उससे डिग्रेडिंग एक्ट्स करने के लिए बोले, इसने एक बार फिर से इसकी बहुत सारी पिक्चर्स मांगी। और इनकी सारी कन्वर्सेशन के दौरान ये क्लियर था कि जो सिमरन थी वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड थी, बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि वो केवल 12 इयर्स ओल्ड थी, यानी कि सिर्फ एक बच्ची थी। अब इसी कन्वर्सेशन के दौरान एलेक्स ने सिमरन से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई भाई है, सिमरन ने कहा कि नहीं। फिर उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारी कोई बहन है, सिमरन ने कहा कि हाँ है। तब एलेक्स ने डिमांड किया कि जाओ और अपनी छोटी बहन को कमरे में लेकर आओ। और उसके बाद उसे बताया गया कि अपनी बहन के साथ उसे क्या क्या एक्ट करने हैं। ये सुनकर सिमरन ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूं, अब बहुत हो गया और मैं अपनी 9 इयर्स ओल्ड बहन को इस कमरे में नहीं लाऊंगी। सिमरन अपनी छोटी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, और वो अपनी बहन को किसी भी कीमत पर इन सारी चीजों में घसीटना नहीं चाहती थी। जब एलेक्स उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगा तो उसने बार बार लिखा कि प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन ऐसा मत करो, मेरी बहन को इन सारी चीजों में शामिल मत करो। लेकिन एलेक्स लगातार बोलता रहा कि नहीं, अपनी बहन को लेकर आओ, अपनी बहन को लेकर आओ। इसके अलावा वो उसकी सिस्टर की बहुत सारी न्यूड इमेजेस भी डिमांड कर रहा था। ये सारी बेगिंग करीब 30 मिनट्स तक चलती रही, लेकिन एलेक्स उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एलेक्स बार बार कह रहा था कि अगर तुम्हें इन सारी चीजों से बचना है तो तुम्हें अपनी बहन की पिक्चर्स भेजनी है, उसके साथ पोज करना है, उसके साथ इस तरह से एक्ट करना है। लेकिन सिमरन लगातार नो 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 कहती जा रही थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। एक बार उसने ये भी कहा कि मैं अपने आप को मार डालूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। और ये भी लिखा एक बार कि मैं अपने आप को शूट कर लूंगी। वो बहुत जरा क्लियर थी, लेकिन एलेक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कोल्डली रिप्लाई किया कि ठीक है, गुड बाय और गुड लक। एलेक्स ने सिमरन से कहा कि तुम्हारे पास 30 सेकंड्स है डिसाइड करने के लिए कि अब तुम क्या करने वाली हो, तुम अपनी बहन को इन सारी चीजों में शामिल करने वाली हो या नहीं हो। और अगर 30 सेकंड्स के अंदर तुम मना करती हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी या कोई रिप्लाई नहीं करती हो, तो ये सारा का सारा मटेरियल मैं तुम्हारे फादर को भेज दूंगा। इसके बाद इसने काउंटडाउन लगा दिया स्क्रीन पर, और ये काउंटडाउन 30 से शुरू होकर अब 1 तक चलना था या 0 तक चलना था। 30 सेकंड्स का काउंटडाउन खत्म हो गया। अब एलेक्स ने एक बार फिर से धमकी दी कि मैं इनको पब्लिश करने वाला हूं। उसके बाद इसको 1 मिनट और दिया गया, लेकिन सिमरन इसका कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। इधर जो एलेक्स था वो लगातार वेट कर रहा था। 1 मिनट भी बीत गया, एलेक्स ने अब इसको मैसेज किया कि 1 मिनट बीत चुका है, और उसमें लिखा वेल डॉट डॉट डॉट। और इसके बाद इनका एक कन्वर्सेशन एक तरह से यहां पर रुक गया। ये एलेक्स के अंतिम वर्ड थे, वेल डॉट डॉट डॉट। जब ये लास्ट वर्ड्स एलेक्स ने लिख दिए, उसके केवल 3 मिनट के बाद सिमरन अपने कमरे से बाहर निकली, अपने पेरेंट्स के बेडरूम में गई, उनके बेड की बेड साइड ड्रॉअर खोली और अपने फादर की हैंडगन उसमें से निकाली, और उसके बाद उसने अपने सिर पर उस गन से गोली मार ली। उसको ये डर रहा होगा कि एलेक्स अब सारा का सारा मटेरियल या तो पब्लिश कर देगा या उसके फादर को भेज देगा। उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, उसको ऐसा लग रहा था। उसने अपने आप को गोली मार ली। उसके बगल वाले रूम में उसकी 9 इयर्स ओल्ड सिस्टर मौजूद थी। उसने गनशॉट की आवाज सुनी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि शायद कोई बलून पॉप हो गया है। वो भागती हुई अपने पेरेंट्स के बेडरूम में पहुंची, और तब उसने अपनी सिस्टर को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। इसकी बहन के बगल में हैंडगन पड़ी हुई थी और सिमरन के हेड से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्लड निकल रहा था। अब क्योंकि इनके पेरेंट्स घर पर नहीं थे, ये जो 9 इयर्स ओल्ड लड़की थी, उसकी बहन, वो घर पर पूरी तरह से अकेली थी और उसको अकेले ही सिचुएशन से डील करना था। उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई। उसने सिमरन का मोबाइल फोन जो कि उसकी बॉडी के बगल में पड़ा हुआ था, उसको उठाया और 911 को कॉल किया। अब जो ऑपरेटर था दूसरे एंड पर, उसने इस लड़की से कहा कि तुम बाहर जाओ, अपने किसी नेबर को बुलाकर लाओ, तब तक हम यहाँ पर मदद भेज रहे हैं। सिमरन की बहन को ऐसा महसूस हो रहा था कि फिलहाल अपनी बहन की जान बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो भागती हुई नेबर के घर पर पहुंची। उसने नेबर को बुलाया और उसके बाद वापस अपनी बहन के पास पहुंची, यानी सिमरन के पास, और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी। 911 का ये जो कॉल ऑडियो है ये अवेलेबल है, लेकिन इसमें सिमरन की बहन की आवाज रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि उसको पब्लिक कभी भी नहीं किया गया था। Preston County 911, what's the address of your emergency? What happened? She fell? Shot herself? What's your address? Is she okay? Are you next?
अब 911 से मदद आने में तो थोड़ा सा समय लगने वाला था, लेकिन इस बीच जो नेबर था उसने थोड़ा सा सिमरन की हेल्प करने की कोशिश की। उसने वुंड पर प्रेशर डाल के खून रोकने की कोशिश की, साथ ही उसने फायर आर्म को अच्छी तरीके से किनारे करके उसको सिक्योर करने की कोशिश की। और इस दौरान जो सिमरन थी वो अभी भी जीवित थी, उसकी पल्स अभी भी मौजूद थी। जो ऑपरेटर था वो लगातार नेबर को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि किस तरह से उसे सिमरन को हैंडल करना है। ऑपरेटर ने नेबर को बताया कि उसको उसकी साइड पर कर दो, यानी कि करवट कर दो, ताकि उसको सांस लेने में आसानी रहे। इसी बीच अब एम्बुलेंस आ चुकी थी, सिमरन को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सैडली रास्ते में ही सिमरन की मौत हो चुकी थी। इधर जो एलेक्स था वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। उसको पुलिस वालों ने बेल पर बाहर छोड़ा हुआ था और ज्यादा बच्चों को अब्यूज करने के लिए, एक ऐसे अब्यूजिव व्यक्ति को आपने बाहर रखा हुआ था समाज में जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था, जिसके घर में हजारों की संख्या में पिक्चर्स मिली थी छोटे बच्चों की। लेकिन एक बार फिर से उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था और किसी को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। सिमरन के पेरेंट्स को जब ये सारी चीजें पता चली कि उनकी बेटी ने अपनी खुद की जान ले ली है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह गए, बहुत ज्यादा सदमे में चले गए। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी इतनी छोटी बच्ची जो कि हमेशा हैप्पी रहती थी, इतनी ज्यादा आउटगोइंग थी, कॉन्फिडेंट थी, जिसके इतने सारे फ्रेंड्स थे, वो अपनी जान आखिर क्यों लेगी। उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि इस बीच उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था। ना उन्हें एलेक्स के बारे में कुछ पता था, ना उन्हें इस ब्लैकमेल के बारे में कुछ पता था, ना अपनी बेटी की उन इमेजेस के बारे में पता था जिनको लेकर एलेक्स उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उनको कोई भी आइडिया नहीं था। जहां तक स्नैपचैट के मैसेजेस का सवाल है, वो सारे के सारे अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं, उनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, उनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं निकलते हैं। और इसी कारण से एलेक्स स्नैपचैट को यूज किया करता था। अब जो सिमरन के मॉम और डैड थे वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे, उन दोनों को ही PTSD हो गया था, और उसके पिता यानी सिमरन के पिता जिनकी उम्र थी करीब 40 ईयर्स, जिनका नाम था बेन, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगे। वो एक US आर्मी वेटरन थे, उनको इस घटना से इतना ज्यादा सदमा लगा था कि वो गिल्ट में चले गए थे। उनको इस बात का भी गिल्ट था कि उन्होंने अपनी हैंडगन ऐसे ही रखी हुई थी, यानी कि लॉक में नहीं रखी थी, और आराम से उनकी बेटी के हाथों उनकी गन लग गई थी और इसी कारण उसकी जान गई। धीरे धीरे बेन का अपनी लाइफ से इंटरेस्ट खत्म होता गया, वो डिप्रेस्ड होते गए, धीरे धीरे उनको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, और उनकी जो भी वो जॉब कर रहे थे वो जॉब भी छूट गई। फाइनली सिमरन की डेथ के करीब 18 मंथ्स के बाद, क्योंकि उनको अपने सवालों के कोई जवाब नहीं मिल रहे थे कि उनकी बेटी की मौत कैसे हुई, तो वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, इतना ज्यादा उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया कि उन्होंने भी अपनी जान लेने का मन बना लिया। और इसी कारण से 18 मंथ के बाद अब बेन ने भी अपनी खुद की जान ले ली। एलेक्स की जो ट्विस्टेड डिजायर्स थी, उसके जो एक्शंस थे, उसने दो इनोसेंट लोगों की जान ले ली थी और जो कई हजार जिंदगियां बर्बाद की वो तो अलग बात है। इधर जो एलेक्स था वो आराम से अपनी अब्यूजिंग वाली जिंदगी जी रहा था, वो अभी भी लगातार बच्चों को अब्यूज कर रहा था, और उसको ये भी नहीं पता था कि उसने दो जान ले ली हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एलेक्स को इन मौतों के बारे में अंदाजा था, क्योंकि वो अपने विक्टिम्स का बहुत ज्यादा ट्रैक रखता था, उसको अपने विक्टिम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी होती थी क्योंकि वो उनको सोशल मीडिया पर ढूंढ लेता था। तो ये भी हो सकता था कि इन मौतों की जानकारी इसको रही होगी, क्योंकि इसने सिमरन के चैट को सेव करके अपने कंप्यूटर में रखा हुआ था, जैसे कि वो कोई ट्रॉफी हो। अब एलेक्स की एज करीब करीब 21 ईयर्स हो चुकी थी, अब वो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था, और अब उसका जो विक्टिम काउंट था वो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन मार्च 2019 में, यानी कि सिमरन की मौत के करीब 10 मंथ्स के बाद, अलेक्जेंडर मैककार्टनी का, यानी कि एलेक्स का डाउनफॉल फाइनली अब शुरू हो चुका था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय एलेक्स एक 13 इयर्स ओल्ड लड़की को मैनिपुलेट कर रहा था, उसे अब्यूज कर रहा था। ये लड़की थी स्कॉटलैंड से, लेकिन ये लड़की बहुत ज्यादा ब्रेव थी, वो सीधा पुलिस के पास गई, उसने एलेक्स के बारे में सब कुछ पुलिस वालों को बता दिया था। अब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन पहले वाली इन्वेस्टिगेशन से अलग हो, क्योंकि आपको पता ही है कि एलेक्स के ऊपर पहले भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। स्कॉटलैंड की पुलिस ने इन सारे इल्जामों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, और उसके बाद इनको पता चला कि इस व्यक्ति के ऊपर तो पहले से भी अब्यूजिंग के आरोप लगे हुए हैं, और इसके कारण ये बेल पर है।
अब ये पुलिस वाले नॉर्दर्न आइलैंड की पुलिस से कॉन्टेक्ट करते हैं, इसके बाद ये दोनों पुलिस की फोर्सेज मिलकर काम करती हैं। फाइनली ये लोग एलेक्स को ट्रैक कर लेते हैं और सीधा एलेक्स के पेरेंट्स के घर में पहुंचते हैं जहां पर ये रहा करता था। सीधा एलेक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस समय एलेक्स के पास से 64 डिवाइसेस मिलती हैं, 64, जबकि उसको एक डिवाइस रखना भी अलाउड नहीं था। और इस बार एलेक्स के कंप्यूटर से, उसके डिवाइसेस से टेंस ऑफ थाउजेंड्स यानी कि दसियों हजार इनडिसेंट इमेजेस मिलती हैं बच्चों की, और साथ ही पता नहीं कितने हजार वीडियोस भी। इसके साथ ही पुलिस वालों को इसके कंप्यूटर से चैट्स के रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। इससे साफ पता चल रहा था कि ये बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा था, उन्हें अब्यूज कर रहा था और पता नहीं क्या क्या कांड कर रहा था। जिस समय पुलिस वाले एलेक्स के बेडरूम में घुसे उसे अरेस्ट करने के लिए, उस समय भी वो स्नैपचैट पर एक बच्ची को अब्यूज कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी अरेस्ट के बाद कैटफिशिंग के सबसे बड़े कांड का, कम से कम यूके के सबसे बड़े कांड का खुलासा हुआ। अब पुलिस वालों को हर एक इनडिसेंट इमेज देखनी थी, वीडियो देखना था हर एक बच्चे का। और ऑफिसर्स, जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे, वो बताते हैं कि उन्होंने इतना घटिया केस अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। और इसके बाद जो वहां की पुलिस थी, जो पुलिस के अधिकारी थे, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए, मेंटली इल हो गए और उनको अपनी काउंसलिंग करानी पड़ी। कुछ चीजों का तो मैंने आप लोगों के सामने खुलासा कर दिया है जो एलेक्स ने इन बच्चों के साथ किया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, इतनी ज्यादा बुरी थी कि जो ट्रायल में जज था उसने इस ट्रायल में उन चीजों को बताने से इनकार कर दिया था कि ये सारी चीजें कोर्ट में नहीं बताई जाएंगी, यानी कि वो इतनी ज्यादा घटिया थी उनको सुना भी नहीं जा सकता था। और इसी कारण से हमें भी उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है कि इसने बच्चों को क्या क्या करने के लिए कहा था। जो चीजें कोर्ट में बताई गई वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को पता चला कि कम से कम एलेक्स ने 3500 लड़कियों को टारगेट किया था और उसकी सबसे छोटी विक्टिम थी 10 ईयर्स ओल्ड। इसके अलावा जो इन विक्टिम्स के भाई बहनों को अब्यूज किया गया, जो कि 3-3, 4-4 साल के थे, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अब पुलिस वालों को इसके सारे के सारे विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करना था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कठिन काम था और एक बहुत ही स्लो काम था। ये लोग स्नैपचैट के मैप डेटा को यूज कर रहे थे, क्योंकि स्नैपचैट के इसी फीचर को यूज करके एलेक्स अपने विक्टिम्स को ट्रैक करता था, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस थी। अब यूएस के जितने भी विक्टिम्स थे, जो कि बहुत ज्यादा थे, उन सबके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है, और तब उन पेरेंट्स को पहली बार पता चला कि उनका बच्चा किस तरह की क्राइसिस से गुजर कर आया है। इनमें से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन से गुजर रहे थे कई कई सालों से, क्योंकि ये बातें उन्होंने ना तो किसी को बताई थी, ना अपने पेरेंट्स को बताई थी, बस अपने आप तक सीमित रखी थी। और इसी कारण से उनकी जिंदगी में बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, उनके रिलेशनशिप्स में, उनकी मेंटल हेल्थ में, उनकी पढ़ाई में, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर रही थी। इनमें से कई सारे बच्चों ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन अभी भी पुलिस वालों को बहुत सारे विक्टिम्स की आइडेंटिटी नहीं मिली थी और उनको आज भी पहचाना नहीं जा सका है। इन विक्टिम्स की केवल स्नैपचैट आईडी मौजूद है और इस केस में स्नैपचैट कंपनी ने भी बहुत ज्यादा सहयोग करने की कोशिश की। वो जितने डिटेल्स इन विक्टिम्स के दे सकते थे उन्होंने प्रोवाइड कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे विक्टिम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। अब एलेक्स की सेक्रेटरी से जांच कराई गई, मेडिकल प्रोफेशनल से उसको मिलवाया गया, ये देखने के लिए कि वो ट्रायल को स्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर्स नहीं पाए गए, कोई भी साइकोपैथिक इश्यूज नहीं पाए गए, और वो अपने इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा विड्रॉन दिख रहा है। उसने कभी भी अपने विक्टिम्स को बच्चे कहकर नहीं बुलाया, वो हमेशा यही मानता था कि उसके जो विक्टिम्स थे, अपने दिमाग में उसने एक इमेज बना रखी थी कि उसके जो विक्टिम्स हैं वो रियल है ही नहीं, वो बस उनको अपने टॉयज मानता था। स्नैपचैट पर जैसे कि वो टॉयज की तरह एग्जिस्ट करते हैं, वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। उसने कभी भी कोई गिल्ट नहीं दिखाया, कभी भी उसने कोई रिमोर्स शो नहीं किया, वो पूरी तरह से कोल्ड रहा अपने इंटरव्यूज के दौरान। वो हमेशा नई नई कहानियां बनाता रहा, उसने कहा कि मुझे तो खुद ही कैटफिश किया गया है, मुझे अब्यूज किया गया है, और शायद इसी कारण से मैं ऐसा बन गया, ये मेरी मजबूरी थी,
मुझे जानबूझकर मजबूर किया जा रहा था बच्चों की इमेजेस मंगवाने के लिए, यही सारी कहानियां जो वो पहले भी सुना चुका था। हालांकि इस बार पुलिस वालों ने, कोर्ट ने और जज ने ये सारे क्लेम्स पूरे सिरे से रिजेक्ट कर दिए और उसके एक्शंस के लिए कोई भी एक्सक्यूजेस स्वीकार नहीं किए गए। अगर उसे ऑनलाइन किसी ने कैटफिश किया भी था तब भी उसने 3500 विक्टिम्स को कैटफिश किया और ये किसी भी तरीके से एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता था कि वो मजबूर था या उसकी मेंटल हेल्थ खराब थी। वैसे भी जब उसकी जांच कराई गई थी तो उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से सही निकली थी। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कई सालों तक चलती रही। 2019 में शुरू हुई थी, 2020-21 और उसके बाद 22 तक भी ये इन्वेस्टिगेशन अभी जारी थी क्योंकि इतने ज्यादा विक्टिम्स थे। 2021 में यानी कि एलेक्स को अरेस्ट करने के 2 सालों के बाद फाइनली पुलिस वालों को पता चला कि ये तो एक लड़की के और उसके पिता के मौत का भी जिम्मेदार है। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि अभी तक भी सिमरन की फैमिली को कोई भी अंदाजा नहीं था कि एलेक्स नाम का कोई व्यक्ति भी एग्जिस्ट करता है जो कि सिमरन की मौत के लिए जिम्मेदार है। वो तो लगातार करीब 3 सालों से सिमरन की मौत से दुखी थे, फिर उसके पिता की मौत से दुखी थे, लेकिन अभी भी उनको कोई क्लोजर नहीं मिला था। उनको पता ही नहीं चला था कि सिमरन ने आखिर खुद को गोली मारी क्यों। लेकिन जब उसकी फैमिली को फाइनली ट्रुथ पता चला तो वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड रह गए और बहुत बड़े सदमे में चले गए। वो सब लोग बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे। और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि सिमरन के डैड बेन बिना ये जाने दुनिया से जा चुके थे कि आखिर उनकी बच्ची के साथ हुआ क्या था। जब एलेक्स 2019 में अरेस्ट हुआ था उसके भी 6 मंथ्स के बाद उसके पिता ने अपनी जान ली थी। अगर ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो जाती और जल्दी पुलिस वाले ये पता लगा लेते कि ये किसी सिमरन नाम की लड़की की मौत का भी जिम्मेदार है तो शायद इसके पिता अपनी जान नहीं लेते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने में बहुत ज्यादा समय लग गया। अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी। अब करीब 3 साल हो चुके थे। अब पुलिस वाले न्यूजीलैंड वाली जो लड़की थी रिबेका, जो कि सामने आई थी, जिसके पिता ने सब खुलासा किया था कि ये सब कुछ हो रहा है, वो भी सामने आई। उसने इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश की और उसके बाद फाइनली इसी साल यानी कि मार्च ऑफ 2024 में एलेक्जेंडर मैककार्टनी को फाइनली कोर्ट में पेश किया गया और उस पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, बहुत सारे क्राइम के एलिगेशंस लगाए गए। इनमें से एक चार्ज मैन स्लॉटर का भी था जो कि सिमरन की मौत के लिए था। एलेक्स पर और भी बहुत सारे चार्जेस लगाए जा सकते थे लेकिन प्रोसिक्यूशन ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर ऑलरेडी इतने ज्यादा एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उनकी जांच में ही बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर ये और ज्यादा एलिगेशंस इस पर लगाएंगे तो कोर्ट इतने सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा और भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अब जब एलेक्स कोर्ट में पहुंचा तो उसने गिल्टी प्लीड किया। इसने अपने सारे चार्जेस के लिए गिल्टी प्लीड किया। यूके में वो मैन स्लॉटर का ऐसा पहला अपराधी था जिसका विक्टिम सेम कंट्री में ना रहकर दूसरी कंट्री में रहा करता था और वो ऐसा भी पहला अपराधी था जो अपने विक्टिम से कभी भी जिंदगी में मिला नहीं था और फिर भी उसकी हत्या कर दी थी। जब एलेक्स ने अपना अपराध स्वीकारा तो यूएस के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले चाहते थे कि अब एलेक्स को यूएस भेजा जाए ताकि वो यूएस में आकर पनिशमेंट फेस करे, लेकिन इस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दिया गया और नॉर्दर्न आइलैंड में ही इसके केस का ज्यूरिसडिक्शन दिया गया। इस केस की जो सेंटेंसिंग हियरिंग थी यानी कि जिसमें इसको सजा सुनाई गई वो इसी अक्टूबर के लास्ट वीक में हुआ था यानी कि 25th ऑफ अक्टूबर 2024 के दिन यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही। और इस हियरिंग में एलेक्स का कोई भी घर वाला, कोई भी फैमिली मेंबर मौजूद नहीं था, वो वहां पर पूरी तरह से अकेला था। इस दिन पहले तो प्रोसिक्यूशन ने करीब 90 मिनट्स लिए एलेक्स के हॉरिफिक एब्यूजेस को वहां पर डिस्क्राइब करने के लिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से इसने अपने विक्टिम्स को ह्यूमिलिएट किया, उनको डिग्रेड किया और किस तरह से ये बिल्कुल रिमोर्सलेस है और इसने कभी भी अपने विक्टिम्स के साथ कोई भी मर्सी नहीं दिखाई। वो इससे भीख मांगते रहे, रुकने के लिए रोते रहे, अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहे, लेकिन इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब प्रोसिक्यूशन वाले ये टेस्टिमनी सुना रहे थे तब एलेक्स ने रिफ्यूज कर दिया इसको सुनने के लिए। वो डॉक में जाकर बैठ गया, उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया ताकि उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे और साथ ही उसने अपना हेड डाउन कर लिया। वो लगातार जमीन को देखता जा रहा था
उसने किसी भी चीज को एक्नॉलेज करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। वो उस समय भी बिल्कुल भी रिमोर्सफुल नहीं था। इसको सजा सुनाई जानी थी दिन के 2 बजे, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके विक्टिम्स ऑल ओवर वर्ल्ड मौजूद थे, और 2 बजे का टाइम सबके लिए सूटेबल था कि वो इसके सेंटेंस को सुन सकते थे कि उसको क्या सजा मिली। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने बहुत सारे इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स पढ़े जो कि विक्टिम्स ने लिखकर भेजे थे, यानी कि इसकी जो विक्टिम्स थी कुछ लड़कियां, इन्होंने अपने स्टेटमेंट लिखकर भेजे थे कि इसके कर्मों के कारण उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है। इन्होंने इसमें लिखा था कि हमें फ्लैशबैक्स आते हैं, हमें बहुत ज्यादा शेम महसूस होती है, कुछ विक्टिम्स को पैनिक अटैक्स आते थे, डिप्रेशन हो गया था, ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, कई बार वो पैरालाइज्ड फील करते थे, कई बार वो अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कंफर्टेबल नहीं थे, और कुछ लोग तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में एंटर ही नहीं कर पाए थे इसके कारण। इन विक्टिम्स ने कहा कि इस आदमी ने हमारा बचपन हमसे छीन लिया, हमें ऐसा लगता है हमारा बचपन हमसे चुरा लिया गया। इधर जो रिबेका थी, जो विक्टिम थी न्यूजीलैंड की, उसके पिता आए इस ट्रायल में शामिल होने के लिए। उन्होंने कोर्ट में आगे आकर बताया कि रिबेका की उम्र इस समय 18 ईयर्स है, वो अभी तक ट्रॉमा से गुजर रही है, उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, और उसका एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन चल रहा है, और उसको मैसिव ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। वो कभी भी किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर नहीं हुई है, जब भी उसके फ्रेंड्स कहीं बाहर जाते हैं वो घर पर ही रहना पसंद करती है क्योंकि उसे किसी पर भी विश्वास नहीं है। इसके पिता ने कोर्ट में आकर कहा कि एज अ पेरेंट्स हम ये चाहते हैं कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का कांड आगे कभी भी ना हो। उनको बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपने एप्स में कुछ चेंजेस करने चाहिए और बच्चों पर नजर रखी जानी चाहिए इन सोशल मीडिया एप्स के द्वारा भी। साथ ही उन्होंने पेरेंट्स से भी प्लीड किया कि हमको भी अपने बच्चों के प्रति और ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं अगर वो बच्चे ऑनलाइन मौजूद रहते हैं। इधर जो एलेक्स के डिफेंस लॉयर्स थे, यानी कि जो एलेक्स के वकील थे, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि एलेक्स ने रिमोर्स शो किया है, वो दुखी है उसने जो कुछ भी किया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने कभी भी रिमोर्स शो नहीं किया था। वो 5 साल अभी तक प्रिजन में रहकर आ गया था और उन 5 सालों में भी उसने कभी भी कोई दुख व्यक्त नहीं किया था। डिफेंस लॉयर से बोलने से मुझे लगता है कि कोर्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब सेंटेंसिंग की बारी आ गई थी। एलेक्स अपनी सीट पर उठकर खड़ा हो गया था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब जज ने अपना फैसला सुनाया, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि इसको लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई जाती है। लेकिन दुख की बात यह थी कि इसको मिनिमम 20 ईयर्स इन प्रिजन गुजारना था। हो सकता है कि 20 ईयर्स के बाद इसको छोड़ दिया जाए, और हो सकता है कि 20 ईयर्स के बाद इसकी सजा को बढ़ाया भी जाए, लेकिन ये चीज क्लियर थी इसको कम से कम 20 ईयर्स प्रिजन में रहना है, जो कि मुझे लगता है कि काफी कम सजा थी। इसके अलावा ये 5 ईयर्स पहले ही प्रिजन में गुजार चुका था, इसीलिए ये इसकी सजा से माइनस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से चलते हुए 2039 में, जबकि एलेक्स की उम्र करीब 41 ईयर्स होगी, तो ये जेल से बाहर आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही अजीब सी बात है। अगर ये पूरी तरह से बाहर नहीं भी आया, इसकी सजा बढ़ गई, तो भी ये परोल में 2039 में बाहर आ सकता है। एक ऐसा आदमी जिसने 3500 से ज्यादा यंग गर्ल्स की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके भाई बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और जिसके कारण 2 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ऐसा व्यक्ति 41 ईयर्स की एज में बाहर आ जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उस समय भी वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कभी भी जेल से बाहर ना निकले, इसको कभी भी परोल ना मिले, और इसको जिंदगी भर बिहाइंड द बार्स ही रखा जाए। सिमरन की माँ 6 सालों के बाद भी अभी भी अपनी बेटी की मौत के सदमे में है, अपने हस्बैंड की मौत के सदमे में है, और अभी भी अपने इस लॉस से स्ट्रगल कर रही है। उनको PTSD तो है ही, वो कभी भी इन ट्रेजिक इवेंट्स के बारे में बातचीत नहीं करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस थी ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी, और वो अभी भी बहुत ज़्यादा मेंटली सिक हैं। इधर जो सिमरन के ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने बताया कि वो अपनी पोती की मौत से बहुत ज़्यादा सदमे में है, और उनकी ज़िंदगी अब कभी भी पहले जैसी सेम नहीं हो सकती। ना तो वो सिमरन को कभी भी ग्रेजुएशन करते हुए देखेंगे, ना कभी आइल पर वॉक करते हुए देखेंगे, ना सिमरन के बच्चों को कभी देख पाएंगे, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी किसी ने उनसे चोरी कर ली हो।
आश्चर्य की बात तो यह है कि एलेक्स के केवल 70 विक्टिम्स को ही आइडेंटिफाई अभी तक किया जा सका है। इसीलिए पुलिस वालों ने एक अपील की है और वो यह है कि अगर कोई भी विक्टिम सामने आना चाहे तो हम उसकी आइडेंटिटी अगर वो नहीं चाहेगा तो रिवील नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एलेक्स के जितने भी विक्टिम्स हैं वो सामने आए। और अभी भी कुछ विक्टिम्स सामने आ रहे हैं अपनी अपनी कहानी लेकर कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। तो फिलहाल के लिए इस केस में इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एलेक्स को उतनी ही कठोर सजा मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी, या आपको ये सजा कम लगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल यानी कि ट्विस्टेड स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।